गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड वन का यूनिट थ्री नंबर्स का टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से पहले एक और नंबर होता है, मीन्स नंबर का टू काइंड्स होता है, दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक कार्डिनल नंबर और एक ऑर्डिनल नंबर। लेकिन आपके बुक में इस कार्डिनल नंबर का डिस्कशन नहीं है, लेकिन हम उस पे डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। यानी नंबर्स का टू पार्ट्स है, नंबर फर्स्ट है कार्डिनल नंबर, सेकेंड है ऑर्डिनल नंबर। आपके बुक में केवल ओनली ऑर्डिनल नंबर पे डिस्कशन किया होगा, लेकिन ऑर्डिनल नंबर पढ़ने से पहले इस कार्डिनल नंबर के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में भी जानना चाहिए कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, फिर ऑर्डिनल नंबर के बारे में समझेंगे तो ज्यादा आप समझ पाओगे। तो पहले हम कार्डिनल नंबर के बारे में जानेंगे। कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? नंबर्स दैट आर काउंट एंड राइट, नंबर दैट आर काउंट एंड राइट as called cardinal number. Cardinal numbers, number that are used to count, used to, sorry, यहां पे used to लगा, used to numbers that are used to count and write. Count जो करते हैं फिर उसको लिखते हैं, वही cardinal number होता है जो आप पढ़ चुके हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, यही आपका cardinal number है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग काउंटिंग नंबर लिखते हैं ना, काउंटिंग, काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, यही आपका कार्डिनल नंबर है। यानी इसको वर्ड में हम लोग लिखते हैं ना, राइट नेम, इट्स नेम, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक का काउंटिंग नंबर है जो कार्डिनल नंबर कहलाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तब फिर हम नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये आप पढ़ चुके हो नंबर, सिर्फ आपको इसके बारे में जान दो, ये नंबर है काउंटिंग नंबर और फिर उसका ये नेम है, बट इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी कहते हैं।
यही आपका कार्डिनल नंबर है। नेक्स्ट अब आप ऑर्डिनल नंबर, यानी आपके बुक में इस टॉपिक पे डिस्कशन किया हुआ है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो नंबर के पोजीशन को बताता है, जो हम लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये काउंटिंग नंबर है, लेकिन ये जो ऑर्डिनल नंबर है ये उसके पोजीशन को बताता है कि कौन सा स्थान पे है, कौन सा पोजीशन पे है। जैसे आप रनिंग करते हो, देखे होंगे आप लोग स्कूल में, जो बच्चे एक बार 5, 6, 7 जब आपका जो स्कूल में ये होता है एनुअल स्पोर्ट, उसमें आप देखते होंगे जब कंपटीशन दौड़ता है एक साथ, उसमें बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं, ठीक है, 5, 6, 7, 8 ऐसे एक लाइन में खड़े होकर के और एक साथ दौड़ते हैं। तो क्या सब एक ही साथ अपना जो फिनिशिंग लाइन है उसको एक ही साथ सब पार कर लेता है? नहीं, उसमें आप देखते होंगे कोई लड़का पहले जाता है, फिर उसके बाद दूसरा लड़का पहुंचता है, फिर उसके बाद तीसरा पहुंचता है, फिर उसके बाद चौथा पहुंचता है, फिर उसके बाद पांचवा पहुंचता है, छठा, सातवा, आठवा, नौवा एंड दसवा। तो ये जो पोजीशन हो, फर्स्ट पोजीशन, जैसे जो पहले गया वो क्या हुआ गया, फर्स्ट। आप सुने भी होंगे क्या बोलते हैं, आप अपने एग्जाम में भी देखते हैं पोजीशन क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यही जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है ये पोजीशन होता है। तो ये जो नंबर है काउंटिंग नंबर, उसके पोजीशन को बताता है ऑर्डिनल नंबर। नंबर व्हिच टेल्स अस पोजीशन द नंबर ऑफ something, something means किसी भी, वो ऑब्जेक्ट भी आपका हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, आपका बुक भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो, इसीलिए मैंने something लिखा। नंबर which tells us position the number और something यानी नंबर और जो भी आपका कुछ ऑब्जेक्ट होगा उसका पोजीशन बता देगा, यही होता है ऑर्डिनल नंबर। कैसे, अब आप देखो 1, इसको हम लोग लिखते हैं 1, 1 जो फर्स्ट किया उसका ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखें FIRST फर्स्ट, यही है आपका ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट। सेकेंड यानी 2, कार्डिनल नंबर में इसका वैल्यू हो जाएगा 2, फिर ऑर्डिनल नंबर आप इसको लिखें हो जाएगा सेकेंड ND सेकेंड, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कार्डिनल नंबर 3 THR EE 3, तो ये थर्ड हो जाएगा आपका थर्ड THIRD थर्ड, यही आपका कार्डिनल नंबर है और ये, सॉरी कार्डिनल नंबर और ये
ऑर्डिनल नंबर, इस तरह से ऑर्डिनल नंबर को हम लिख सकते हैं। देखिए तो अभी कंपैरिजन किए थे हम ऑर्डिनल और कार्डिनल, थर्ड तक चले गए, अब आप फोर, फोर एफ ओ यू आर फोर, इसी का ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ एफ ओ यू आर टी एच फोर्थ, ये है फाइव एफ आई वी, इसका कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा फिफ्थ एफ आई एफ टी एच, नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर है सिक्स, ये काउंटिंग नंबर को वर्ड में भी लिखते हैं, इसलिए हम दोनों का कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं ऑर्डिनल नंबर सॉरी कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, यानी कार्डिनल नंबर और ये ऑर्डिनल नंबर, सिक्स का हो जाएगा सिक्स एस आई एक्स ई एच सिक्स, सेवन एस ई एन सेवन, सेवेंथ सेवेंथ, देखिए ये कैसे हम ऑर्डिनल नंबर सबको लिख रहे हैं, ये आप ध्यान से देखो, ठीक है। एट ई आई जी एच टी एट, इसको हम लोग बोलेंगे एट, ई आई जी एच टी एच, एफ नाइन एन आई एन ई, नाइन का ऑर्डर हो जाएगा नाइन्थ एन आई एन टी एच नाइन्थ, और लास्ट में है आपका टेन, टेन यानी टेंथ, टेंथ पोजिशन, टेंथ, यही कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर में डिफरेंस है, यानी टेन तक आप देखें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ, यही ऑर्डिनल नंबर है, पोजीशन बताता है कि कौन सा पोजीशन पे है। अब इसको प्रैक्टिस करना है, इसको टेन टेन टाइम्स रीड करना है और राइट भी करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको होम असाइनमेंट में हम पीडीएफ में दे दिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको डाउट क्लास में पूछेंगे। थैंक यू।